Good morning students, myself Ashok Pathak. Today I will discuss about checkpoint 2 of addition and subtraction. In this checkpoint, we will have to discuss about subtraction discuss karna hai, theek hai na? To sabse pehle hum log bata dein subtraction. Subtraction hamesha jo subtraction hai वो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना? और सब्ट्रैक्शन को हम लोग डिफरेंस भी कहते हैं. तो जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है, जैसे 5 4 7 6 3 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 2 1 4 3 6, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अरेंज इन कॉलम. सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे. 6 3 4 1 2 3 सब्ट्रैक्ट अरेंज कर दिया, ठीक है ना? अरेंज कर दिया. तो ये जो बड़ा वाला नंबर होता है जिसमें से कि हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो ग्रेटर नंबर है, इन दोनों नंबर्स में जो ग्रेटर है उसे हम बोलते हैं मिनुइन. क्या बोलते हैं? और जो स्मॉलर नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सबट्रेहेंड. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन. और जो हमारा रिजल्ट आता है, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस. DIFFERENCE, डिफरेंस. क्लियर है? तो ये पहले तो तीन बातों को जानना है कि जो ग्रेटर नंबर होता है जिसमें से कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे मिनुइन बोलते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे सब्ट्रेहेंड बोलते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं. नाउ हम लोग सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को सब्ट्रैक्शन पहले से ही आता होगा, ठीक है ना? 2 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्या करेंगे, यहां से एक कैरी लेंगे, तो ये 1 कैरी देगा तो ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा. 12 में 6 जाएगा 6, 12 में 6 जाएगा 6. अब ये एक कैरी दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. 2 में 3 नहीं जाएगा, ये इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा 12, और 12 में 3 जाएगा 9. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ ये हो गया 9. अब ये एक कैरी दे दिया है तो ये कितना हो गया 5, और 5 में ये एक अपना इसको दे दिया है तो बचा 5. 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 5 माइनस हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2. ये हो गया हमारा आंसर. इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर हमें चेक करना हो कि ये हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो सही है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सब्ट्रेहेंड है और जो डिफरेंस है इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं. मीन्स सब्ट्रेहेंड है हमारा 3 2 1 4 3 6, और हमारा जो डिफरेंस है वो 2 2 6 1 9 6. या इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, और प्लस करने पर हमारा मिनुइन के बराबर आ जाए, इट मीन दैट आवर आंसर इज करेक्ट. 6 प्लस 6 12 9 प्लस 3 12 12 और 1 13, 4 प्लस 1 5 और 1 6 6 प्लस 1 7 2 प्लस 2 4 3 प्लस 2 5. तो देखिए ये जो है, ये जो हमारा यहाँ पर एडिशन आया, सम आया, वो सम इज इक्वल टू मिनुइन 2 3 6 7 4 5 2 3 6 7 4 5. क्लियर है? तो इन दिस वे यू कैन चेक योर रिजल्ट. इस तरह से आप लोग रिजल्ट को अपने क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट चेक पॉइंट टू. हम लोग डिस्कस करते हैं चेक पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन है. सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर. सब्ट्रैक्ट करना है और चेक करना है आंसर को. सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर आंसर. चेक यू आंसर. सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर को चेक कीजिए. ओके, चलिए. ए है आपका, ए 2 7 8 3 4 2 7 8 3 4 2 7 8 3 4 9 8 9 8. एंड दूसरा नंबर है फ्रॉम 4 9 8 1 4 9 8 1 2 3 6
सिक्स सेवन टू थ्री सिक्स सेवन है। देखिए फोर नाइन एट वन टू थ्री सिक्स सेवन एट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, टू एट नाइन फोर थ्री सेवन सॉरी एट सेवन टू, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, एट माइनस टू कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि ये क्या है, मिनिमम है, जो बड़ा नंबर होता है, जो लार्जर नंबर होता है वो मिनिमम होता है, जो स्मॉलर होता है वो सब्ट्रैक्टेंड होता है, एस यू वी टी आर ए एच ई एन डी सब्ट्रैक्टेंड होता है, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डिफरेंस होगा। एट माइनस टू सिक्स, एट में टू गया सिक्स हुआ, सेवन में एट नहीं आएगा, ये इससे एक कैरी लेगा, ये फाइव हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसको कैरी लेगा तो ये हो जाएगा सेवनटीन, सेवनटीन में एट गया नाइन, नाइन ओके। अब देखिए फाइव में नाइन नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा फिफ्टीन और ये हो जाएगा टू, ये फिफ्टीन में नाइन जाएगा सिक्स हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब टू में फोर नहीं आएगा, ये इससे कैरी लेगा, ये हो जाएगा ट्वेल्व और ये हो जाएगा वन, ट्वेल्व में फोर जाएगा एट, वन में थ्री नहीं आएगा, ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा और ये हो जाएगा एलेवन, एलेवन में थ्री जाएगा, एलेवन में थ्री गया एट, क्लियर है ओके। अब ये देखिए वन वन, ये वन अपना वन इसको दे दिया था तो ये हो गया जीरो, जीरो में एट नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेवन और ये इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा टेन, टेन में एट गया टू, टेन में एट गया टू, सेवन में सेवन गया जीरो, ठीक है, नाइन में टू गया, नाइन में टू गया सेवन, फोर, दिस इज योर आंसर, 47,88,696 इज योर आंसर। नाउ यू विल हैव टू चेक योर रिजल्ट, अब आपको रिजल्ट को क्या करना है, चेक करना है, तो हम लोग हमने क्या बताया था, ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा क्या है, डिफरेंस है, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस है, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर देते हैं, डिफरेंस को डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट से ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 47,028,696 प्लस 2,78,34,982, इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे अगर हमारा मिनिमम के बराबर आ जाता है, मींस दैट आवर आंसर इज करेक्ट, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16 1 17, 9 प्लस 6 15, 15 और 1 16, कैरी 1, 8 प्लस 4 12, 12 और 1 13, कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 8 11, कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9, 4, 4 9 8 1 2 3 6 7 8, देखिए यही था 4 9 8 1 2 3 6 7 8, इट मींस दैट आवर डिफरेंस इज करेक्ट, आवर सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट, क्लियर है। तो इन दिस वे यू हैव टू चेक द आंसर एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट का बी, बी फर्स्ट का बी है 8363928, एट बी है 8363928 फ्रॉम 8363928 फ्रॉम 8 9 1 2 6, ठीक है, इस नंबर में इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 7 3 8 9 1 2 6 में सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 9 2 8 6 3 8 3 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 6 में 8 नहीं आएगा तो हम इससे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, 16 में 8 जाएगा 8, अब ये अपना एक कैरी ले दिया तो इसके पास बचा 1, 1 में 2 नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, ये 0 हो जाएगा और ये इसको कैरी लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा 9, 11 में 2 गया 9, ये 0 हो गया, 0 में 9 नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये 8 हो जाएगा और ये कैरी देगा तो 10 में 9 गया 1, 10 में 9 गया 1, 8 में 3 गया 5, 8 में 6 गया 2, 3 में 3 गया 0,
17 में 8 गया, 17 में 8 गया 9, 17 में 8 गया 9 और ये हो जाएगा 7 7 9 0 2 5 1 9. ठीक है ना, ये हमारा डिफरेंस आ गया। नाउ वी विल हैव टू चेक, अब हम लोगों को चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, इसको और इसको मीन्स डिफरेंस को और सबट्रैक्ट को दोनों को प्लस करते हैं। तो 7 9 0 2 5 1 9 8 को 8 2 9 3 6 3 8 में प्लस करते हैं, क्या आएगा, 8 plus 8 16, 9 plus 2 11 और 1 12, 9 plus 1 10 12, 9 plus 1 10 और 1 11, 5 plus 3 8 और 1 9, 6 plus 2 8 8 3, 8 plus 8 16 और 1 17 और ये 7 plus 1 8. देखिए 8 7 3 8 7 3, 8 9 1 2 6, 8 9 1 2 6 एंड this is our sum is equal to our minimum, so our answer is correct. Clear है? तो in this way you can solve the questions of subtraction. Now I will discuss about second question of checkpoint 2. Question number second. Find the missing number, missing digit. Find the missing digit. MISSING, missing digit. Find the missing digit. चलिए missing digit find करना है। कैसे find करते हैं? ये है 5, ये है blank, 4 7 3 2, 4 7 3 2, 4 7 3 2 और ये है blank। Difference के इसको subtract करना, 4 3 4 3 blank, 4 3 blank, 2 1 8 7, 2 1 8 7 ये सब्ट्रैक्ट करना। इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 1 है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 9 है, यहाँ 7 है। ओके चलिए, हमने क्या बताया कि इन दोनों को प्लस करने पर ये आना चाहिए। देखो सिंपल वे हम बता रहे हैं इसको सॉल्व करने का, तो 7 plus 4 कितना हो जाएगा, 11 11, कैरी 1 हो गया, कैरी 1। यहाँ पर देखिए, अब अगर हम ऐसे देखें तो हम ऐसा क्या इसमें क्या प्लस करें, इसमें क्या प्लस करें यहाँ पर कि हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 2 आ जाए। और उसमें एक क्या ऐड करना है, 1 भी ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट कितना आया है, 1 आया है। ठीक है ना, मतलब कैरी 1 आया है, 7 plus 4 11 11 का 1 यहाँ और कैरी 1। तो 8 plus 1 9 और 9 plus 3 कर दें, 9 plus 3, तो 9 plus 3 कितना हो जाएगा, 12 हो गया और कैरी 1। तो देखिए 1 plus 1 plus 1 ये हो गया 3, कैरी हमारे खत्म हो गया। क्लियर है? अब हम 2 में कितना ऐड कर दें कि 7 आ जाएगा, 2 में कितना ऐड कर दें, अगर 5 ऐड कर दें तो 2 plus 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 5 plus 2 7 कर दिया। ठीक है ना, 9 में कितना ऐड कर दें कि 14 हो जाए, तो 9 में कितना ऐड करेंगे, 5, 9 plus 5 14 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, कैरी हो गया 1। तो 7 plus 1 8 8 plus 3 8 plus 3 11, 11 का यहाँ 1 हो जाएगा और कैरी कितना हो गया, 1, मीन्स 4 में कितना ऐड करेंगे, 5 आ जाए, तो 0, कितना करेंगे ऐड, 0। तो देख रहे हैं दिस इज योर आंसर। अब ऊपर से नीचे कर लीजिए, 11 में 7 गया 4, ये हो जाएगा 11 में 7 गया 4, ये हो जाएगा 1, 11 में 8 गया 3, ये हो जाएगा 2, 2 में 1 गया 1, ये हो जाएगा 7, 7 में 2 गया 5, ये हो जाएगा 4 है तो 14, 14 में 5 गया 9, ये हो जाएगा 10, 10 में 3 गया 7, ये हो जाएगा 4, 4 में 4 गया 0। दिस इज द वे इन विच यू कैन फिल द ब्लैंक्स यूजिंग सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? नाउ आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, 7 9 7 9 blank 7 9 blank, 6 2 4 5 3 6 2 4 5 3, 4 2 1 4 2 1 4 2 1 blank 4 2 1 blank, 7 9 7 9 7 9 blank 7 9 blank और 8 6,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, रिजल्ट हमारा क्या मिला 108 87 2 9 ये हो गया। चलिए हमने बताया कि हम लोग हमने बोला कि 4 में हम ऐसा है, क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, तो 4 तो 3 से बड़ा है तो 4 में हम क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, तो देखिए 9 मींस 13 आ जाए, तो 4 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 9 प्लस 4 13, कैरी आ गया 1 इसमें ऐड कर दिए तो 2 प्लस 2 4 और 1 5 आ गया। अब हम 1 में कितना ऐड करें कि 4 आ जाए, तो 3 3 प्लस 1 4 क्लियर है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 7 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए मींस 12 आ जाए, तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, कैरी 1 7 प्लस 5 12 कैरी 1 ये हो जाएगा 8 प्लस 7 15 और 15 1 16 ठीक है। 8 7 5 ये जो कैरी था यहां पर 8 प्लस 7 15 और इसका जो कैरी था वो इसमें ऐड हो गया 16 हो गया, अगेन कैरी आ गया 8 प्लस 1 9 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 और कैरी 1 कैरी 1 0 प्लस कैरी 1 1 हो गया, 1 में हम कितना ऐड करें कि 8 9 आ जाए, तो 8 8 प्लस 1 9 6 प्लस 1 7 6 प्लस 1 क्या हो गया 7 हो गया। तो देखिए ये हो गया क्लियर। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके दे देते हैं, 13 में 4 जाएगा 9, 4 में 2 जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा सॉरी 4 में 2 जाएगा 2, 4 में 1 जाएगा 3, 12 में 5 गया 7, ये 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, ये 17 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8 क्लियर है। अब देखिए ये 8 यहां पर गड़बड़ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 4 13, 2 प्लस 2 4 1 5, 3 प्लस 1 4 5, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 7 15, 15 और 1 16, 8 प्लus 8 6, 8 प्लस 8 16 17 18 सही तो है, 8 1 9 6 1 7। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच ईच, क्वेश्चन है 3 कि हाउ मच ईच 2 3 8 9 4 5 2 3 8 9 4 5 2 3 8 9 4 5 0 9 2 0 9 2 0 9 2 greater than GREATER greater than 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 3 4 3 4 0 9 2 3 4 0 9 बोला है कि इस नंबर से ग्रेटर देन, इस नंबर से ये कितना ज्यादा है, इस नंबर से ये कितना ज्यादा है, जैसे अगर बोले कि 10 से 4 से 10 कितना ज्यादा है, 4 से 10 कितना ज्यादा है, तो 4 से 10 कितना ज्यादा है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 10 में से 4 को माइनस कर दें तो क्या है 4 से 10 6 ज्यादा है, तो यही करना है, बट ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 3 8 9 4 5 0 9 2 में सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 1 2 7 8 3 4 0 9 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट किया 2 में 2 गया 0, 9 में 9 गया 0, 0 5 में 4 गया 1, 4 में 3 गया 1, 9 में 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, 3 में 2 गया 1 और 2 में 1 गया 1 मींस देखिए ये क्या हो गया 11 करोड़ 11 लाख 11000 ग्रेटर है, दिस इज 11 करोड़ 11 लाख 11000 ग्रेटर देन दिस, ठीक है ना, इससे ये इतना बड़ा क्लियर है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चेक पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ब्रांच ऑफ ए बैंक गॉट इतना डिपॉजिटेड बाय इट्स कस्टमर इन देयर अकाउंट इन देयर 2020। बोला है कि एक बैंक का ब्रांच है, जैसे बैंक का ब्रांच होता है सामने घाट ब्रांच, लंका ब्रांच, दहीपुर ब्रांच, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, तो उसी में एक ब्रांच है जिसमें कि एक कस्टमर जो है 35,61,32,653 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है ना, 2020 में, आउट ऑफ विच उसमें से 17 करोड़
19,63,789 वाई डिपॉजिटेड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, उसमें से इतना रुपया फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में साल के शुरुआत के 6 महीने में वो जमा किया, ठीक है ना। तो हाउ मच अमाउंट वाई डिपॉजिट इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, तो आधा पैसा जो और पैसा जो है कितना पैसा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जमा किया, तो सिंपल है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है ना। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन 2020 इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया गया, रुपीज 3568,32,653, ये टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया है। अच्छा, अमाउंट डिपॉजिटेड इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ईयर, साल का 6 महीने में कितना अमाउंट दिया, डिपॉजिट किया गया था, तो डिपॉजिट किया गया था 17,19,63,789, क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड ईयर के सेकेंड हाफ में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया उसको डिस्कस करना है, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है सेकेंड हाफ में निकालना है, इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें, ये टोटल दो एक साल में जमा किया है, आधे साल में इतना पैसा जमा किया, तो आधे साल में कितना पैसा जमा किया जाएगा ये निकालना, तो इसको हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा, 3 में तो 9 जाएगा नहीं, 13 में से 9 जाएगा 4, ये हो जाएगा 14 में 8 जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 में 7 जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 में 3 जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 में 6 जाएगा 6, ये हो जाएगा 17 में 9 जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 में 1 जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 में 7 जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 में 1 गया 1, इतना रुपीज वो सेकेंड हाफ ईयर में जमा किया। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 + 4 = 13, 8 + 6 = 14, 1 = 15, 8 + 7 = 15, 1 = 16, 8 + 3 = 11, और 1 = 12, 6 + 2 = 12, 1 = 13, 8 + 8 = 16, 17 और 1 = 18, 4 + 1 = 5, 1 = 6, 8 + 7 = 15, 1 + 1 = 2 और 1 = 3, आप this is your answer. In this way you have to solve all the question of checkpoint 2. In next class I will discuss about multiplication and division of numbers. Thank you class.